नमस्कार जी, मैं हूं रविंदर और आपने हमारे साथ होम गार्डन यूट्यूब पर। दोस्तों, सबसे पहले बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। वसंत हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है, नई ऊर्जा, नई उमंग और नया जोश। तो आपको, आपके पूरे परिवार को और पूरे देश को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, वो ये आप देखिए, गमला है। और परिवर्तन जब आ ही गया है मौसम में, तो अब हम ट्रीटमेंट करेंगे अपने गमलों का, थोड़ा सा केयर एंड टिप्स, प्राथमिक उपचार। बहुत से मेरे जो व्यूअर हैं, आप सभी भाइयों की तरफ से बहुत सारे सवाल आए कि सर, आप गमलों में मिट्टी कैसे चेंज करते हैं या क्या करते हैं। तो चलिए, मैं वही थोड़ी सी आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जनरली मैं आपको बताऊँ, मैं मिट्टी कभी भी 100% चेंज नहीं करता, थोड़ी थोड़ी करता हूँ। लेकिन आज हम मिट्टी चेंज नहीं करेंगे, आज हम आपको बताएंगे कि आप भी मिट्टी चेंज ना करें, पहले ये उपचार करें। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का विचार, तो आज की वीडियो का विचार है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बेसिक की पुस्तक में कविता है और मुझे आज वो ध्यान आ रही है, उसे ही मैं आपके लिए सुना रहा हूँ। बिमल इंदु की विशाल किरणे प्रकाश तेरा बता रही हैं। ईश्वर के लिए है, प्रकृति के लिए है, तो शॉर्ट करूँगा मैं। जिसे निरखना हो तेरा स्मित, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद कर दी जा रही हैं। बिमल इंदु की विशाल किरणे प्रकाश तेरा बता रही हैं। प्रकृति बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, और प्रकृति में लाखों रंग, लाखों मंगे, लाखों तरंगे हैं। तो चलिए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और हमारा टॉपिक है कि हम अपने गमले को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, अपने पौधों के लिए बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसे कैसे तैयार करें। तो शुरुआत करेंगे, आप ये दो गमले देख सकते हैं, एक में हेज लगी हुई है और एक में है सुदर्शन। तो दोस्तों, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्योर नॉर्मल तरीका है, कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन ये काम बहुत ही अच्छा करता है और इसका रिजल्ट बहुत ही गजब आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपको अपने पौधे में या पॉट में ये काम कब करना है। तो इसकी शुरुआत आपकी हो जानी चाहिए बसंत में, यानी कि जैसे ही जनवरी ख़त्म हो या फरवरी शुरुआत हो जाए, मिड फरवरी, मार्च से पहले ही आपको ये कर लेना है। और हम इसमें शुरुआत करेंगे अपनी मिट्टी की निराई गुड़ाई से। ये देखिए, इस प्रकार से आपको अपने सभी गमलों में मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है। और टूल, एक छुरी ले सकते हैं, एक स्केटियर, खुरपी हो सकती है, और आपके हाथ तो सबसे बड़ा ही औजार हैं। लेकिन जैसे ही आप निराई करेंगे, तो आपको ये घास भी आपके सभी गमलों में आपको मिलेंगी, तो इसे भी आप पहले निकाल लीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए निराई करने से पहले, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी दो तीन गमलों की सफाई की है अपनी, और मैंने सभी जो घास और खरपतवार है वो अपने छुरी से, हाथों से या अपनी खुरपी से वो निकाल दिया। और ये बेसिक चीज़ें हैं। तो दोस्तों, निराई करना या गुड़ाई करना कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, बस इसमें ये ख्याल रखना है कि मुख्य जड़ ना कटने पाए, और इसके बाद की जो प्रोसेस है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। निराई करने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके पौधे में पर्याप्त नमी हो, ज़्यादा गीला भी ना हो और ज़्यादा सूखा भी ना हो। तो एक दो दिन पहले आप पानी डाल के रखें, अगर ज़्यादा सूखे हैं पौधे। अब इसके बाद महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है पॉट की। और क्या करना है आपको अब, कि इस पॉट में करीब 4 से 5 दिन पानी बिल्कुल नहीं देना है।
इसे हम पौधे को जलाना कहते हैं। और जो फलदार पौधे हैं या सब्जी वाले पौधे हैं, मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, एक बार सीजन में इनमें ये स्थिति कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार पानी देते रहेंगे आपकी जो सॉयल है वो भुरभुरी नहीं होगी, उसमें पानी नहीं जाएगा, प्रकाश नहीं जाएगा, हवा नहीं जाएगी, मिट्टी बैठ जाती है करीब 6 महीने में। तो आप अपने गमले की 100% मिट्टी चेंज ना करें, ये पहले करें आप, जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, आप अपने गमले में धूप लगाएं, इसे धूप लगाना भी कह सकते हैं सरल भाषा में कहें तो। हम तो गमले में आपको धूप लगानी है, सबसे पहले 4-5 दिन खूब धूप लग जानी चाहिए, ये मिट्टी सूख जानी चाहिए आप। और जब हम निराई कर देंगे या गुड़ाई कर देंगे तो हमारे पौधे की जो नीचे वाली सॉयल है उसमें नमी बनी रहेगी, तो आपका जो पौधा है वो नहीं सूखेगा। हमें केवल ऊपरी परत, ऊपरी मिट्टी की एक परत लगभग 2 से 2.5 इंच मिट्टी आपको ऐसे गुड़ाई करके तैयार कर लेनी है। तो ये तो निराई वाला काम हो गया। इसके अलावा जो पत्तियां सूख रही हैं, ये देखिए मैंने काट दी हैं, या यहाँ नीचे से तने के पास से जो कोई पत्तियां हैं, जैसे एलोवेरा है आपका, या फिर और कोई भी प्लांट हैं, उनकी फालतू पत्तियां, लीव्स जो सूख रही हैं या झड़ रही हैं, उन्हें आप निकाल दीजिए। एलोवेरा या जो और भी मरुस्थली पौधे हैं उनकी मिट्टी आप थोड़ी ऊपर से ही करें, क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं, कुछ जड़ें ऊपर भी होती हैं, लेकिन आपको अपने सभी गमलों में ये इस फरवरी में पहले सप्ताह में ही अगर आप कर लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके पौधों के लिए। तो हम बात कर रहे थे सब्जियों की, कि सब्जियों पर सब्जियां नहीं लगती हैं, मिर्च नहीं आती या टमाटर नहीं आते हैं। तो हम क्या गलती करते हैं कि अपने पॉट में हम पानी देते चले जाते हैं। तो ये हमारा मिर्च का पौधा है, आप देख पा रहे हैं इस पर मिर्च भी लगी हुई है, लेकिन इतनी कम है, मिर्च नहीं थी। ये देखिए इसी पौधे की ये मैंने मिर्च हार्वेस्ट की है, ये पक गई हैं, तो इनके हम सीड भी निकाल सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे आपके मिर्च का पौधा है, तो मिर्च के पौधे में आप देख पा रहे हैं ये ब्रांच सूख रही है, और ये देखिए यहाँ घास लगी हुई है। तो जनरली हमें क्या करना होता है कि अपने पौधे की हमें या पॉट की सफाई भी कर देनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये तो हम हर सप्ताह कर सकते हैं। जनरली देखिए आप घास तो हर सप्ताह निकालिए, मेरी राय है, लेकिन मिट्टी से छेड़ाखानी आप 1 महीने से पहले या 40 दिन से पहले बिल्कुल ना करें। मैं अपने गमलों में कम से कम 90 दिन बाद ही कोई छेड़ाखानी करता हूँ। पौधे बड़े सेंसिटिव होते हैं, हम क्या करते हैं कि अपना टूल लिया, खुरपी ली और रोज़ लग गए गोड़ने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं फार्मिंग की, गार्डनिंग की। एक्सपेरिमेंट पौधों पर आप कर रहे हैं तो फिर वो एक्सपेरिमेंट वाला ही पौधा होगा दोस्तों, उस पर कोई भी मज़ेदारी नहीं मिलेगी आपको। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो पौधे हैं सब्जी वाले, मिर्च है, टमाटर है, उन पर सब्जियां क्यों नहीं आती हैं। तो उसका सबसे मेन कारण है, जो किसान हैं वो तो जानते हैं, जो गार्डनर हैं शहरों में या गांव में भी, जो नए नए जिन्हें एक्सपेरिमेंट उन्होंने कम है, उनका एक्सपीरियंस अनुभव कम है, वो क्या करते हैं पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, बिल्कुल नमी ख़त्म नहीं होने देते। लेकिन सब्जियों के साथ ऐसा नहीं करना है, इस बात को आप नोटिस करें। हर 15 से 20 दिन बाद एक इनमें धूप का प्रभाव पड़ जाना चाहिए। मैं पास से दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हैं ये ज़मीन नमी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी इस पौधे को ख़राब करे। ये हमने अदरक लगाया हुआ था, ध्यान है ये स्टोर है, और ये जैसे ही अप्रैल के बाद समय आएगा ये अपने आप ग्रो कर जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो हम बात कर रहे हैं कि आप अपने पौधों में पानी की मात्रा सप्ताह में, महीने में एक बार इतनी कम रखें कि पौधे की जो एनर्जी है वो पौधे के ग्रो में ना निकल जाए। पौधा तो बहुत बढ़ जाता है, हाइट उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि फल नहीं आते हैं। तो यहाँ देखिए ये नई ब्रांच फूट रही हैं,
तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि ये जो सूखी ब्रांच आप देख पा रहे हैं इन्हें आप कट कर दीजिए और सब्जियों में निराई भी लगा दीजिए। इसमें तो अदरक लगा हुआ तो उतनी नहीं लग पाएगी, लेकिन आपके पॉट में अगर कोई और प्लांट नहीं लगाए तो जो हमने सबसे पहले तो घास तो निकाल ही देनी है। सूखी ब्रांच किसी भी पौधे की हो वो पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं, तो आप समय समय पर इन्हें कट करते रहिए। और जैसे ही आप इन्हें कट कर देंगे तो जो एनर्जी है पौधे की वो आपकी नई ब्रांच बनाने में या नए अंकुरण में पौधा अपनी खर्च करेगा, और उसके बाद जो आपकी मिर्च हैं या टमाटर हैं वो अच्छे ग्रो होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिर्चों पर नया अंकुरण आ रहा है, फूल भी आ रहे हैं और मिर्च लग भी रही हैं, और हमने मिर्च लाल हार्वेस्ट कर भी ली है कि पौधे से। जनरली तो बहुत से गमले हैं, बहुत समय लगेगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बता दी। ये जो हमने निराई की है ये आप देखिए, इसे एक सप्ताह आपको छोड़ देना है, अगर ज़्यादा तेज़ धूप पड़े तो 4-5 दिन कुल मिलाकर, और उसके बाद फिर इसमें वाटरिंग कर दीजिए। तो फिर आप देखिए जब आपके पौधे से नया अंकुरण होगा वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, कुछ ऐसा प्योर ग्रीन हरा आप देख पा रहे हैं। ये भी टमाटर है और टमाटर की ये लीफ पहले वाली देख सकते हैं, और नई जो लीफ आ रही हैं ये देखिए, ये कटिंग और सॉयल जो हमने जिसे निराई गुड़ाई करके प्रकाश की मात्रा बढ़ा दी है। ये देखिए हमने रैन लिली को भी ऐसे ही किया है, इसकी मिट्टी भी हमने निराई करके डाल दी है और इसे हमने वाइंड कर दिया, बांध दिया है थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप। तो ये येलो रैन लिली है और इसके फ्लावर्स मुझे बड़े पसंद हैं। तो ये पिछले साल का ही पौधा है तो दोस्तों बहुत जल्दी फ्लावर्स देगा, लेकिन ये अच्छे फ्लावर्स दे इसके लिए मैंने जो तरीका आपको बताया वही तरीका मैं अपने सभी पॉट में अप्लाई करता हूँ, और आप सभी भी यही कीजिए और फिर आप देखिए कि आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे बेल ग्रो करेंगे। ये देखिए, ये हमारा मोगरा जैस्मिन है और ये बैरिकेटेड आप मनी प्लांट देख सकते हैं, कितनी हाइट हो रही है इसकी, 3 फीट से ज़्यादा हो गई है। और मोगरा भी ये देखिए। तो जनरली ये जो मैंने अपने गमले हैं इनकी सफाई मैं अभी और कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं अभी मैंने इनकी निराई गुड़ाई नहीं की है, केवल घास निकाली है, खरपतवार निकाली है। तो जनरली आप सभी भी तैयार हो जाइए, खुद पे उठा लीजिए, टूल उठा लीजिए, और उसके बाद बस आपको क्या करना है कि हल्की हल्की निराई और एक सप्ताह तक इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए, और एक सप्ताह के बाद दोस्तों हमें इनमें पानी लगाना है, और फिर आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे सर कि बहुत सुंदर हमारे प्लांट हो गए, गमले बहुत अच्छी ग्रो कर रहे हैं। और ये अभी से नहीं, हजारों सालों से भारतीय कृषक अपनाते आ रहे हैं खेती में, जो किसान लोग हैं वो जानते हैं कि फसल को एक बार धूप देना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही उसकी ग्रोइंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो पाती है। सेम मिर्च और टमाटर के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है, गोभी में आप ऐसा ना करें, गोभी अगर आपने ज़्यादा सुखा दी तो वो फ्लावरिंग छोटा हो जाएगा, गोभी के लिए नहीं है ये, मिर्च टमाटर और जो आपके गमले हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। फ्लावर्स वाले पॉट हैं तो उनमें फ्लावर्स की संख्या बढ़ जाएगी और फ्लावर्स का जो कलर है वो बहुत ही सुंदर निकल के आएगा। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, अगर कोई क्वेरी हो, आप अगर कुछ परेशान हो, समझ नहीं पाए हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैंने किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाया हो।
मजबूरी बस यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम भी आ जाती है कभी कभी, और नेटवर्क प्रॉब्लम भी बनी रहती है दोस्तों। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और बसंत पंचमी की एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं आपके परिवार के लिए। धन्यवाद।